नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब बारी है 5वें चरण की। 5वें चरण का चुनाव 27 फरवरी को होना है। इस चरण में कुल 12 जिलों के 61 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी टीम लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर आम जनता की राय जानने के लिए बराबर जमीनी स्तर पर रिपोर्ट कर रही है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम बाराबंकी जिले के कई गांव में गई और वहां आम जनता से ये जानने का प्रयास किया कि इस बार कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। साथ ही लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया, उनके कौन कौन से मुद्दे हैं उनको भी जानने का प्रयास किया। आइए देखते हैं हमारी यह रिपोर्ट। अपनी चुनावी यात्रा में इस समय पहुंच चुके हैं बाराबंकी। बाराबंकी का ये रामनगर विधानसभा है जहां पे हम मौजूद हैं। अभी हम जा रहे थे रोड से तो हमने देखा खेत में कुछ लोग काम कर रहे हैं। आइए इनसे भी जानते हैं चुनाव के बारे में क्या कह रहे हैं ये। जी दादा, क्या नाम है आपका? निर्मल कुमार। निर्मल कुमार जी, कौन सी विधानसभा है आपकी? रामनगर है। रामनगर। अच्छा, क्या है चुनाव का माहौल, क्या है, किसको वोट वोट दे रहे हैं आप लोग? वोट तो हम लोग कमल फूल देंगे। फूल को देंगे है? कमल का मतलब बीजेपी को वोट कर रहे हैं जी। क्या कोई खास कारण है क्यों कर रहे हैं बीजेपी को वोट? अरे बीजेपी क्या कर रहे हैं साहब, अब ऐसा है कि हम लोगों के यहाँ दिक्कत तो है, मुदा अभी हो टीका दिन जाए। नहीं, इस सरकार में दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत तो साहब है ये है। नहीं, किस तरह की दिक्कत बताइए आप। दिक्कत साहब सांड भैंसा सब घूम रहे हैं। अच्छा, मतलब इस तरह जानवर अन्ना जानवर। हाँ, खेती सही नहीं हो रही है, खाद के दाम बढ़ रहे हैं। मतलब इन सब दिक्कतों के बावजूद भी आप भाजपा को वोट फिर क्यों दे रहे हैं? अरे देश साहब दयाब है ये सब, सरकार सब ऊँचे नीचे ले उन्हें के तो किका दिन जी आखिर। अच्छा अच्छा, नहीं और भी चुनाव मैदान में है ना, और पार्टी के लोग भी हैं। आइए कुछ लोग और भी हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप लोग जी? आइए आप आइए भाई साहब। एक क्या कर रहे हैं अभी ये खेत में, क्या कर रहे हैं, मतलब किस तरह? आप देखिए, एक तरह से इन लोगों ने मिट्टी के ऊपर कुछ काले पॉलीथीन है ना, काले पॉलीथीन डाल रखे हैं। आइए कुछ ये तकनीक भी जानते हैं आखिर में ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे खेत में, किस तरह से काम इनका हो रहा है। ये आ जाएं इधर, हम आ जाएं इस पार। हाँ आप बताइए। हाँ नहीं, मुश्किल तो कोई है नहीं, आपको देख के लग ही रहा कोई मुश्किल नहीं है। ये पहले ये क्या कर रहे बिछा रहे हैं? खरबूजा बोएंगे हम। अच्छा, और आलू बोए थे। अच्छा, तो आलू में इतनी नफा हुई थी कि 15,000 लगाया। हाँ। और 16,000 कमाया। मतलब इधर आप इधर थोड़ा आपको दुनिया देखना चाहेगी। हाँ, हाँ, आपने 15,000 लगाया, 16,000 कमाया। 16,000 कमाया। नीचे उतर जाओ। और इतनी जो है मराफिट हो रही है। हाँ। कि हम इसमें मिट्टी में मिले जा रहे हैं। हाँ। और हम खाने के लिए हमको कोई दिक्कतें नहीं मिल रही, तो हम का बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कि आप, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, नाम क्या आपका? हमारा नाम दुर्गा प्रसाद। अच्छा, तो क्या तो वोट वोट डालने जाएंगे ना आप? तो वोट तो हम ढीले जाएंगे, तो हम कोई जो है ये तो है नहीं कि मैं घर में बैठूंगी, वोट तो ढीलेंगे नहीं। नहीं तो किसको वोट दे रहे हैं? वोट ढीलेंगे हम। नहीं, किसको वोट ढीलेंगे, किसको वोट देंगे आप? आप जो समर्थन जैसे होगा वैसे वोट छोड़ेंगे हम। नहीं, जैसे कि अभी बाबा ने बताया कुछ अलग, आप बताइए किसको वोट दे रहे हैं? अरे हमको ढीलने में कोई मुश्किल नहीं है, हम जो है आप जैसे सलाह देंगे। हाँ। हम अकेले तो हैं। हम नहीं सलाह दे रहे आपसे, हम तो जानने आए हैं ना, हम तो पत्रकार हैं, हमको सलाह देंगे? हम नीचे जात के आदमी हैं। नहीं जात, देखिए आपको एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जात कोई भी नीची ऊपर नहीं है। ये हम ये कोई बना लो बात है, संविधान है, देश है, आज़ाद है, कोई ऊँचा, सब कोई बराबर है। देखो भाई, हम जो है गिनतीगारी हम नीच कौम है। कोई पहली बात आप ये कहना बंद करिए कि आप नीच कौम हैं, है ना। आप ये कहिए मैं भारत का नागरिक हूँ। अरे भारत का नागरिक तो हूँ जी, लेकिन जो है नीच कौम में नीचे आदमी गिना जाता है। नहीं नहीं, आप ये आप इस बात आप यहाँ गलत हैं, आप ऐसा नहीं, आप नहीं कह सकते सर। हम मायावती का वोट देंगे। हाँ ठीक है, हाँ आप ये कहिए ना किसको वोट दे रहे हैं। ठीक। हाँ, और बाकी जहाँ तक रही मैं क्लियर कर दूँ, जो जात पात अस्पृश्यता छुआछूत ये सब है, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप ही की जाति की मायावती है ना, जो वहाँ पहुँच गई, आप सोचिए ना, इस बात को भले सोचिए ना। वो तो बात सही है, अब छुआछूत तो जो हो रही है तो होता है, और जो अब छुआछूत डाउन हो रही है वो तो डाउन हो ही रही है। ये तो नहीं, अच्छी बात है, अगर ये सब डाउन हो रहा तो अच्छी बात है। अच्छा रहेगा यो है कि हम वोट देंगे मायावती को। ठीक है, तो क्या कारण है आखिर मायावती को वोट देने का आपका? कारण क्या है,
देखो इतनी कमाई कर रहे हैं, इतना हमको जो है फायदा हो रही है कि 15,000 लगाइत दे रहे हैं, लगाइत कर रहे हैं, 16,000 कमा रहे हैं, एक हजार फादिल में पाया है। अच्छा ये बताइए 15,000 हाँ सुनिए 15,000 आपने लगाया और 16,000 आपने कमाया कितने समय आपने 1,000 कितने समय कमाया आपने? 6 महीने में। 6 महीने आपने 1,000 कमाया, बहुत बढ़िया आपने कमाई की, वाह वाह बहुत बढ़िया। आइए आप कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? हमारा उदय भान। अच्छा क्या है, क्या चुनाव उनाव क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारा तो वोट भी नहीं। अच्छा चलिए वोट नहीं, आप क्या चाहते हैं किस सरकार बने? अरे हम तो हमारे घर वाले जिसको मतलब देंगे तो उनको हम कुछ बोल तो पाएंगे नहीं। चलो आप बताओ भैया, आप बताओ क्या नाम है आपका? उदयराज। अरे किसको वोट दे रहे हैं, किस उसको पार्टी को? अरे हमारा तो वाट नहीं है। तुम्हारा वोट नहीं है? नहीं है। आपका वोट है? अच्छा आपका भी वोट नहीं है। चलिए तो कुछ लोग थे जो अपना बताए कि किसको वोट करेंगे क्या है, कई जो इन्होंने जैसे बताया कि आपने मायावती को वोट करेंगे मतलब बसपा को, बहुजन समाज पार्टी को। जब हमारे पास पैसा नहीं था तो क्या हम करेंगे खेती, क्या करेंगे, किसको हम वोट दें, किसको का करें तेल। अच्छा, हाँ आग लगने पे तो है ना दैवीय आपदा पे, कुछ हमारे नहीं मिला, एक पैसा ही नहीं मिला। आग लग गया, कोई जो है ना मंत्री ना मोदी ना कोई नहीं सुनवाई किया, तो किसको हम दे दें? ठीक है तो आपने ये देखा आप लोगों ने कि किस तरह से यहाँ जो ये अपनी आया हूँ बसा हूँ कर्जा व्यवहार करके बनवाया, कोई गांव ले वाले से पूछ लीजिए इसके घर में आग लगी है कि नहीं लगी है, और किसी लिए दो बाराबंकी में वो जो है उनको क्या कहते हैं शरद अवस्थी कुआं गए तो कहते हैं मैं क्या करूँ। शरद अवस्थी कौन है? बाराबंकी में इधर यहाँ पर रहे वो अम्बोली में वो गए कहता है क्या है किस पार्टी के वो करें मैं जो तुम बोलो वो जो विधायक है सरद अवस्थी। अच्छा विधायक बोले सर तुम दे दोगे? आप विधायक की बात कर रहे हैं? हाँ आप उनसे मिले थे? हाँ और क्या क्या बोला उन्होंने? हम वो बोला कि मैं क्या करूँ जो बोलो वो करें, तो हम क्या बोली तो करें, हम कहते हैं तुम हमको चलो बिल्डिंग बनवा दो, बिल्डिंग बनवाओगे हमको कहते हैं गला दियो खाएंगे, गला दोगे कितना दे दियो? अरे बवाल का। चलिए ठीक है हम आपकी बात समझ सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे लोग जो हैं बहुजन समाज पार्टी के का समर्थन कर रहे हैं, इनका कहना है और अपनी समस्याएं इन्होंने भी बताई। आगे कुछ और लोग मिलेंगे उनसे मैं उनकी बात जानूंगा। हमारे अगला को ला ला करके अपना परिवार जी आया, ठीक हमको कोई जो है मोदी का खबर तक मतलब जो है गांव कौन सा है मोदी मतलब जो है वीडियो बना करके हम भेजा का मोदी देखा नहीं है, देखा नहीं। अच्छा मोदी को आपने वीडियो भेजा यहाँ? हाँ यहाँ से सब वो जो है वही भी मोदी वाला उठा ला रहे मोबाइल उठा मोबाइल वहाँ पर दिखाए हम मोबाइल उठा लो वीडियो है अभी दिखाया था नहीं नहीं मैं नहीं देख। अरे क्या करें कहो जमीन घुस जाए साले जो लोग के आएंगे नहीं अब लेकिन अब जिंदा हैं घुस नहीं पाएंगे हम। ठीक है हम आपके दर्द को समझ सकते हैं। ठीक है तो इस समय हम मौजूद हैं बाराबंकी का रामनगर विधानसभा है, इस समय वर्तमान में शरद अवस्थी यहाँ से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, बाद फिर वो मैदान में हैं और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के किदवई क्या नाम पूरा उनका फरीद महफूज किदवई शायद वो विधायक रह चुके हैं ना एक बार यहाँ से रह चुके। अच्छा तो क्या सर कुर्सी से भी रह चुके हैं? अच्छा और क्या कुर्सी में जनता उनको सर बहुत चाहती थी और क्या। अच्छा क्या नाम है आपका? रामशरण यादव। कि क्या मुद्दा है जो अखिलेश को आप वोट दे रहे हैं? अखिलेश को बाद का जो रहे हैं शरद अवस्थी इनके घर पर हमें एक मुद्दा छोटा सा मुद्दा लेके गए थे और ये हमका बोले आप जाओ अपने प्रधान से मिलो, यहाँ क्यों आए हम निराश होकर वापस चले आए। मतलब विधायक ने कहा प्रधान से जाके मिलो? हाँ, प्रधान से मिलो और एक तरह से विधायक को लेके आपको एक तरह से कहीं ना कहीं शिकायत है विधायक से? विधायक से शिकायत, विधायक एक बात यादव की सुनता ही नहीं है इन्हें, यहाँ के विधायक यादव की नहीं सुनते हैं? ये तो बड़ी बात इन्होंने कहा कि यादव जो यहाँ के विधायक हैं शरद अवस्थी हमारी बात नहीं सुने तो हम समझ गए इनके यादव की नहीं। अच्छा चलिए चलिए क्या आपका क्या नाम है? विजय कुमार। तो क्या क्या नहीं देखिए वो जात वाद ना बताइए, नाम के लिए बताइए, जात पूछने वाले पत्रकार दूसरे हैं, हम वो पत्रकार हैं जो पूरे देश का जो एक जात है वो है भारतीयता। ठीक है तो क्या है किसको वोट दे रहे हैं आप इस बार? साइकिल। साइकिल को वोट दे क्या क्यों साइकिल को दे रहे हैं? साइकिल को बहुत बड़ी समस्या है। नहीं क्या समस्या आपकी समस्या है? नहीं नहीं सबकी देश की समस्या है तो साइकिल को समाधान हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। कैसे आप बताइए जरा? समस्या का जो वादा लिया वो वादा पूर्ण कर समाधान हो जाएगा। नहीं किसने वादा लिया था, भाजपा ने लिया था सपा ने लिया है? सपा ने, जो सपा ने वादे किए हैं आप उसकी बात कर रहे हो कि उसको पूरा कर दे तो समस्या का समाधान हो जाएगा? हो जाएगा आप ये मानते हैं इस बात को? भाजपा से क्या नाराजगी आपकी? भाजपा का हमारे गाँव सरस्वती गए ही नहीं।
अच्छा आपके गांव आए नहीं कभी? कौन सा गांव है ये? कोबान नहीं आए। कौन सा गांव है? अजीज मऊ। अजीज मऊ। कभी नहीं, कभी क्यों आए, क्यों नहीं, मतलब वो पता नहीं कहानी समझे ना, कभी गई भी नहीं। अच्छा, तो जैसे कि भाजपा का ये कहना है कि हमने किसानों को सम्मान निधि दिया और उसके बाद जो है और उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं कराई, किसानों का ऋण माफ़ किया, उस पर क्या है? एक बात आप बताओ, 5 किलो मिल जाए और 5 क्विंटल चला जाए तो क्या 5 किलो में काम चल जाए? 5 किलो मिला, 5 क्विंटल कैसे? फार्मर जरा बताइए, मैं 5 क्विंटल चला जाए कैसे? आप साढ़े चल रहे हैं छुट्टा, छोटे से लेकर बूढ़ा आदमी रात दिन उमा जाए कोहरा में पहुड़े रखा हुआ है, वो तनका चूक जाए चर लेने। हाँ, ये समस्या बहुत आम रही है, यहाँ कई लोगों से मिला तो उन लोगों ने बताया कि जो आप लोग हरहा बोलते ना इसमें, हाँ जानवर, हाँ मतलब अन्ना जानवर, जो छुट्टा जानवर, उनकी समस्या है। आपका क्या नाम है? गुड्डू नाम है। तो क्या किसको उड़ कर रहे हैं? तैयारी तो हो गई है आपकी? हाँ हो गई भैया। पहली बार उड़ दे रहे हो क्या? नहीं, 2-3 बार दे चुके हैं। 2-3 बार उड़ दे चुके हो? अच्छा, मतलब पुराने आदमी उसका मतलब। हाँ दे चुके हैं, 2 बार दे चुके हैं। तो किसको उड़ दे रहे हो इस बार? हम तो भैया कमल को दे रहे हैं। कमल को उड़ दे रहे हो? ये सपा को उड़ दे रहे हो? कमल क्यों उड़ दे रहे हो? जिसकी जहाँ इच्छा वहाँ देगा। अभी आप भी इन्हीं के गाँव के हो? नहीं हम। किस गाँव के हो आप? बिकनापुर। तो आप गाँव विधायक आए थे? नहीं आए थे। अब फिर भी आप सब उसको उड़ दोगे? हम पूरा गाँव हमारा दे रहा है उसको। पूरा गांव का भाजपा को वोट दे रहा है? पूरा गांव भाजपा दे रहा है। हम लोग तो क्या मुद्दा क्या है आखिर में, ऐसा क्या है, क्यों आप वोट दे रहे हैं उनको? क्योंकि उन्होंने सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया है? अच्छा, क्या आप इनको बताओ क्या किया दिया? आप बताओ। 5 किलो आपका 3 जाए, आपके घर के 10 लोगों का हुआ। अब 5 किलो सुनो, 1 मिनट, 5 किलो 3 जाए, 5 किलो 3 जाए और 5 क्विंटल तुम्हारे खेतों में चला जाए, नुकसान हो जाए तो क्या 5 किलो तुम्हारे महीने पूरे निपट जाए? दादा मगर ये बात भी ध्यान रखिए, क्या जानवर उन्होंने थोड़े लाके छोड़े हैं? उन्होंने आपने छोड़ा है, हमने छोड़ा है? सुनो, वो जानवर छोड़े तो नहीं, तो वो ये आपने छोड़े हैं, हमने छोड़ा है, कोई और नहीं छोड़ा है। पहले अखिलेश की सरकार हराना ही रहेगा? हमने छोड़ा है, आपने छोड़ा? यहाँ पे इतिहास गया, दोबारा विधायक कोई रामनगर सीट में हुआ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा ही, यहाँ पे दोबारा विधायक हुआ भी नहीं है। यहाँ अखिल बार हरी चाचा जितने जा रहे हैं और ना दोबारा सरकार बनी है, अखिलेश भैया सरकार बनने जा रही है, कोई रोक भी नहीं पाएगा इस बार। इतनी लहर हो गई बाराबंकी में, छक्के छोटे छोटे यार, ये तो कह रहे हैं हमारा गाँव पूरा भाजपा को वोट दे रहा है। लेकिन मैं ये पुख्ते विश्वास से कह सकता हूं कि अब की बार सपा सरकार आएगी तो आएगी। ये क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव। राजकुमार ने कहा कि अब की बार सपा सरकार, और आपका क्या नाम है? गुड्डू। गुड्डू नाम। तो गुड्डू क्या कर रहे हैं? बीजेपी आएगी। आप क्या कर रहे हो? अखिलेश सरकार आएगी। आप क्या कर रहे हो? अखिलेश सरकार। आप बताओ क्या कर रहे हो? अखिलेश यादव। किसकी सरकार आ रही है? अखिलेश। आप बताओ भैया किसी सरकार आ रही है? आप किसी सरकार आ रही है? अखिलेश यादव की। बिल्कुल पक्का। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, इधर 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 देखिए, कुछ लोग ट्रैक्टर में बैठे हैं, लगता है घरों बनवा रहे हैं क्या? नहीं, दुकान है, सामान लेके जा रहे हैं। अच्छा, तो इसमें मतलब बिक्री खूब हो रही है? बिक्री बढ़िया हो रही है। बिक्री बढ़िया हो रही है, मतलब कितने मकान बन गए होंगे अब तक? अरे हमारे जल्दी दुकान खुली है, 10-20 मकान बन गए हैं। 10-20 मकान बन गए कितने साल? साल, 2 साल के अंदर? ना ही, 6 महीने के अंदर। अच्छा, तो लोग कह रहे विकास नहीं हो रहा है? तो विकास निजी पैसे बनाए हैं सर, निजी पैसे। सड़क पर ही है, सपा सरकार बनी रहा है, दोबारा कोई नहीं कुछ कराया। उदेव खड़ंजा सपा सरकार लाग रहा है, उसके बाद कोई नहीं आवा। यहाँ शरद अवस्थी कुछ नहीं कही ना, बुरी तरह हारे जा रहे हैं। अच्छा, नहीं तो क्या वो अगर मान लो कोई उनके साथ दूसरा आता तो? दूसरा आता तब भी नहीं जीता। यहाँ फरीद चचा बहुत तगड़ी लहर, 1 लाख वोट पाएंगे फरीद चचा। आप बताओ। अरे फरीद चचा जीतेंगे 25,000 वोटों से। आप बताओ फरीद चचा। अच्छा, वो सपा से जो है? अच्छा, पहले विधायक रहे ना वो यहाँ से? तो दो बार रहे, यहाँ से शुरू की थी और यही फिर लास्ट में जीतने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ फिर वो जीत रहे हैं इस बार? 100% जीत रहे हैं। अच्छा, भाजपा क्यों हार रही है, कुछ बताएंगे इसका कारण? नियम जो कानून लगाती है, आम लोगों पास जो गरीब लोग हैं उन तक नहीं पहुंचते। सम्मान निधि किसानों को जरूरत है, सम्मान की, सम्मान निधि की जरूरत नहीं। हमारा धान नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पैसे जरूरत है, सम्मान और पैसा दोनों जरूरी है। हमारा धान खरीदा जाए 2000 में, हमें सम्मान निधि की नहीं जरूरत है। धान बिकता हमारा 900। नहीं, ये भी बात आपकी सही है, आप कह रहे हैं कि आपका जो उचित मूल्य वो मिलना चाहिए। 900 रुपये में हम धान बेचे हैं, 2000 में बिकता है, तो सम्मान निधि 500 रुपये कौन जरूरत रहा है हमका, बताओ।
बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि अभी हमने आप लोगों ने देखा कि किस तरह से लोगों ने सपा अखिलेश यादव और शरद अवस्थी जो कि विधायक हैं भाजपा के यहाँ से, और जो किदवई जो है चुनाव लड़ रहे हैं, इन सबको लेके बात किए। इनके शौचालय में पानी नहीं, भ्रष्टाचार होगा, शौचालय बनवाए भाजपा वो हम पानी नहीं, बगैर पानी के शौचालय कौन काम का, इससे बढ़िया हम जहाँ जा रहे हुए बताओ। मतलब कि क्यों शौचालय तो बहुत बनवाया सर, बगैर पानी के शौचालय 12,000 में कौन शौचालय बना, जब वो पानी व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई तो हमका जब पानी लेके जाए पड़ी तो हम अपने हिसाब से काम कर पाए। तो इनकी एक भी योजना जमीन पे नहीं है, हमारे कम से कम अखिलेश सरकार की पिछली योजनाएं जो है कम से कम जमीन पे कौन कौन सी बताई जरा कोई योजना उनकी, 100 नंबर पुलिस वाली है और जो है एम्बुलेंस वाली है और तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं थी और बाकी और ये रोड और रोड उनके साथ जितना जितना विकास हो जमीन पे दिखाई दे रहा। और मैं योगी जी टीवी पे देखा था उस पर बहुत, इससे पहले की सरकारें कुछ नहीं कर पाई सर, अखिलेश यादव ने हमारे विधाता हैं वो, उन्होंने इतना किया कि गरीब तक वो सुविधा पहुंच सके सर, 100 नंबर है एम्बुलेंस है सर, और जो कहे हैं अखिलेश यादव वो करके दिखाएंगे, ये हमारी पूरी जनता को ये पूरा विश्वास है सर। गौशाला भैया देख, गौशाला बना है भूसा नहीं दे पाओ, जानवर मर रहे हैं, इससे कौन जरूरत रहा है गौशाला, मर रहे हैं किसान।